तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Realme C3 का टॉप फीचर्स या फिर आप टिप्स एंड ट्रिक्स ही कहिए। Realme C3 स्पेशली लेटेस्ट Realme यूज़र इंटरफेस इसमें अवेलेबल है एंड मोबाइल भी आप देखिए बहुत ही खूबसूरत है। फॉर 7 to 8,000 रुपीज़ दो वेरियंट्स है इसमें, एक तो 7,000 रुपये 3GB 32GB वेरियंट और एक दूसरा 8,000 रुपये में आपको 4GB 64GB वेरियंट मिलता है। अगर मुझे पूछेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप 4GB 64GB वाला लीजिए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, सुपर बैटरी बैकअप है। रिव्यू करने वाला हूँ जल्दी इस चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो Realme C3 आज के वीडियो में बहुत सारे इसका फीचर्स देखेंगे, लेटेस्ट यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है Realme का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉअर भी मिलेगा, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन बहुत सारा अच्छा कस्टमाइजेशन दिया गया है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा Realme की तरफ से। अगर आप लेंगे तो बहुत ही खुश होंगे इस मोबाइल को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला फीचर हम देखेंगे टैप एंड होल्ड होम स्क्रीन। टैप एंड होल्ड करता होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऊपर दिखाई देगा होम स्क्रीन मोड। तो टैप करेंगे तो तीन होम स्क्रीन मोड्स है, एक तो स्टैंडर्ड मोड है मतलब सारे एप्लीकेशंस जो भी है विदाउट ऐप ड्रॉअर, मतलब ऐप ड्रॉअर नहीं रहेगा सेपरेट से, सारे जो भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करेंगे वो आपको होम स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको स्विचिंग फ्रॉम ड्रॉअर मोड टू स्टैंडर्ड मोड, अभी आप देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऐप ड्रॉअर बिल्कुल नहीं है, स्वाइप अप करता हूँ तो ऐप ड्रॉअर नहीं है, सारा का सारा एप्लीकेशन आपको सिर्फ होम स्क्रीन में ही दिखने को मिलता है। वो चेंज करने के लिए टैप एंड होल्ड, फिर से हम सेटिंग्स पर जाएंगे, होम स्क्रीन मोड यहाँ से झट से ड्रॉअर मोड, फिर अप्लाई करके तो यहाँ पर छोटा एरो देख सकते हैं, तो मतलब सारे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हुआ है, यहाँ पर कैटेगराइज हुआ है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशंस एज वेल एज, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे स्टॉक एंड्रॉयड रहता है वैसा इसका यूज़र इंटरफेस है ऐप ड्रॉअर का, विच इज़ अगेन कूल। एंड देखिए यहाँ पर बहुत ही फ्लूइड है, 3GB 32GB वेरियंट है फिर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा और एक सेटिंग है थर्ड मोड, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। फिर से सेटिंग्स जाएंगे, होम स्क्रीन मोड यहाँ पर सिंपल मोड करके है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप कोई अडल्ट मतलब कि एजड पर्सन को आप मोबाइल दे रहे हैं या फिर किड्स को दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशंस को ढूंढना है क्विकली विदाउट एनी फस, तो ये वाला सेटिंग आप ज़रूर एनेबल करके दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े आइकॉन स्टाइल एज वेल एज राइटिंग्स, तो बहुत ही आसान हो जाएगा यूज़ करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इवन मैसेजेस हो कॉल्स हो तो सारे का फॉन्ट साइज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया और बड़ा दिखता है, इससे आपको इजी से कुछ भी हो परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा आइकॉन्स है एज वेल एज फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज़ हो तो सब बड़ा बन गया है। तो ड्रॉअर मोड विच इज़ डिफ़ॉल्ट, तो हम क्विकली स्विच करेंगे ड्रॉअर मोड को, तो फिर से नॉर्मल मोड पर आ गए हैं। तो ये था सबसे पहला फीचर। द सेकेंड वन इज़ अगेन हम टैप एंड होल्ड करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन करके है, ये बहुत ही अच्छा है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। यहाँ टैप करने से दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक तो ग्लोबल सर्च है, दूसरा नोटिफिकेशन सेंटर। इसका अर्थ यह है कि अगर हम होम स्क्रीन पर है, अगर मैं स्वाइप डाउन ऐसे करता हूँ तो क्विकली सर्च पर जा रहा है ना, तो यहाँ पर एग्जिट है, कुछ भी हो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। अगर ये चेंज करना है आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, चेंज करेंगे इसको नोटिफिकेशन सेंटर, अब क्या होगा स्वाइप डाउन करता हूँ तो नोटिफिकेशन का सेंटर ओपन हो जाएगा। देखिए कस्टमाइजेशन है, मतलब कि अपने को जो पसंद है वैसे आप सेट करके रख सकते हैं मोबाइल में, विच इज़ ऑलवेज ए नाइस थिंग, इसीलिए हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लेते हैं। स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, ग्लोबल सर्च है और दूसरा नोटिफिकेशन सेंटर, जैसे आपको चाहिए वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डबल टैप टू लॉक, यहां पर दिया गया है एम्प्टी स्क्रीन पर अगर आप डबल टैप करते हो तो क्विकली लॉक हो जाता है। मान लीजिए कुछ आप वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी अगर आपको मोबाइल लॉक करना है तो इस चीज़ को आप एनेबल कर देना। तो लेट्स से कि मैं अगर ऐसे वर्क कर रहा हूँ कुछ देख रहा हूँ तो झट से मैं ऐसे डबल टैप करता हूँ तो क्विकली ऐसे लॉक कर देगा। अगर आप लॉक स्क्रीन पर है डबल टैप टू अनलॉक करना चाहते हैं तो वो दूसरे सेटिंग्स में है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, वो वाला भी मैं दिखाऊंगा कहाँ से एनेबल करना है। तो यहाँ से आप सेट आइकॉन स्टाइल है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा आइकॉन स्टाइल, जैसे आपको आइकॉन्स का लुक चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर है राउंडेड कॉर्नर है या फिर इवन आप फोरग्राउंड एज वेल एज आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइव दिखाई देगा। जैसे कि लेट से मैं ये टैप करता हूँ तो आइकॉन स्टाइल आप देख ही सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है, फोरग्राउंड कितने साइज चाहिए लेट से उसका, आइकॉन
जो छोटा सा उसमें रहता है ना वो कितने साइज का चाहिए एंड एज वेल एज आइकॉन कितना बड़ा आइकॉन साइज चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आइकॉन स्टाइल अप्लाइड तो ये आइकॉन स्टाइल चेंज हो गया। एंड ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड जो है वो फास्ट ही रखिए, नॉर्मल एज वेल एज स्लो नहीं रखेंगे क्योंकि एनिमेशन से स्लो कर देगा मोबाइल को। तो नेक्स्ट फीचर हम देखने वाले हैं वो है सेटिंग्स में, तो यहाँ से हम सेटिंग्स को जाएंगे। तो सेटिंग्स पर एडिशनल सेटिंग्स नीचे अगर आप ऐसे स्वाइप अप करेंगे तो एडिशनल सेटिंग्स पाएंगे। यहाँ से प्रोसेस मैनेजर करके है सेकेंड वन, तो प्रोसेस मैनेजर को टैप करना है आपको एक बार। यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्स एज वेल एज सिस्टम एप्स दिखाई देगा। हेट ऐप क्लाउड ये वाला मैं बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप जस्ट यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं तो वो एंड हो जाएगा। जैसे हम फोर्स स्टॉप करते हैं वैसे ही अलग तरीका है ये स्टॉप करने के लिए, और बहुत ही फायदा होता है बैटरी बैकअप ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ऐसे में मैसेजेस अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो स्टॉप कर देता हूँ। वैसे ही गूगल प्ले स्टोर कॉन्टैक्ट्स हो तो बेकार में बैटरी कंज्यूम करता रहता है, तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो, लेट्स से गूगल ड्यो है, तो ये वाला अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो वाई इज़ दिस हियर, तो एंड कर सकते हैं। इवन गेम स्पेस तो एंड। तो ऐसे आप कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज़ नहीं करते हैं प्रोसेस मैनेजर को जाकर आप फोर्स स्टॉप उसको कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सेटिंग्स एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ भी ढेर सारे सेटिंग्स है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिखाना है वीडियो रेजोल्यूशन, ये हमेशा सेट करना है आपको। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं 1080p एट 14 Mbps रिकॉर्ड होगा, इतना भी हाई क्वालिटी नहीं लेकिन जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसके लिए यूज़ करते हैं उतना काफ़ी है। वैसे ही फ्रंट कैमरा एट द सेम टाइम ऑन कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ भी उसके साथ आपका फ्रंट कैमरा भी ऑन होगा, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर किसी को बात कर रहे हैं, किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने स्क्रीन को दिखाकर, तो वैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपको ऑन करना है। तो रिकॉर्ड स्क्रीन टैप्स, जैसे हम टैप करते हैं वैसे रिकॉर्ड स्क्रीन में अगर दिखाई देना है तो यहाँ से आप टैप कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेटिंग एडिशनल सेटिंग्स पर ही है रीसेंट टास्क मैनेजर। तो यहाँ पर नीचे स्वाइप करेंगे तो रीसेंट टास्क मैनेजर है। यहाँ से डिस्प्ले रैम एज वेल एज मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रीसेंट टास्क, तो ऐसे हम रीसेंट आइकॉन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर छोटे आइकॉन में आपको दिखाई दे रहा होगा 1.34 GB अवेलेबल आउट ऑफ 3 GB। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से एनेबल करना पड़ता है रीसेंट टास्क मैनेजर। तो ये बेसिकली क्या है, सारा जो ऐप्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो अनलॉक्ड है, मतलब कि रीसेंट जो भी यहाँ पर ऐप्स है वो लॉक करके रख सकते हैं, मतलब कि आप भूलकर या फिर किसी को मोबाइल दिया है वो क्लियर कर दिया रीसेंट ऐप्स को, तो क्या होगा फिर से आप उस एप्लीकेशन को ओपन करके कुछ काम कर रहे हैं तो वो कैरी ऑन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो वो अवॉइड करने के लिए आप इम्पॉर्टेंट ऐप्स को ऐसे लॉक करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अगर कैमरा ओपन करता हूँ तो वैसे ही रहेगा। तो देखिए रीसेंट ऐप में कैमरा वैसे का वैसा ही है। तो एक शॉर्टकट तरीका है वैसे ही ऐप्स को ओपन रखने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ रिगार्डिंग बैटरी। तो क्विकली हम बैटरी का रिलेटेड देखेंगे। तो फिर से हम सेटिंग्स पर है, तो सेटिंग्स में बैटरी, हियर इट इज़। तो बैटरी में भी बहुत सारा अच्छा कस्टमाइजेशन दिया है विच इज़ वेरी नाइस। तो यहाँ पर देखिए सिंस लास्ट चार्ज 4 days 23 hours है, स्क्रीन ऑन सिंस लास्ट फुल चार्ज 2 hours 8 minutes। तो बैटरी में पावर सेविंग मोड है, तो पावर सेविंग ऑप्शंस भी है। सबसे पहले पावर सेविंग मोड में देखेंगे, पावर सेविंग मोड टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एट स्पेसिफाइड बैटरी लेवल। लेट्स से कि बैटरी लेवल अभी 15% पर आ चुका है तो ऑटोमेटिकली वो पावर सेविंग मोड पर जाएगा और आई थिंक अराउंड इजीली 1 to 2 hours एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप आपको ज़रूर मिलेगा। तो वैसे रखने के लिए आप टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली रख सकते हैं, टर्न ऑन एट स्पेसिफाइड बैटरी लेवल, जैसे बैटरी लेवल चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं तो उस बैटरी लेवल पर वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो इवन पावर सेविंग मोड वहां से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस, सेट ऑटो स्क्रीन ऑफ एज वेल एज डिसेबल बैकग्राउंड सिंक विच इज़ ऑलवेज हैंडी। ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर बैटरी लेवल कम हो रहा है तो ये वाला चीज़ जो है वो आपको एनेबल करना है। वैसे ही पावर यूसेज है, तो डिटेल से कौन सा पावर ज़्यादा यूज़ कर रहा है ऐप्स वो दिखाई देगा। एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ऐप क्विक फ्रीज है। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल रियलमी स्टोर मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वैसे मैं इस चीज़ को ऑन करके रखता हूँ तो इंस्टेंटली वो ऐप फ्रीज हो जाएगा, तो बार बार ऑन करके ऑटोमेटिक ऑन करके बैकग्राउंड में रन नहीं होगा, तो विच इज़ अगेन नाइस थिंग। तो इससे बैटरी कंजम्पशन आपको ज़्यादा देगा मोबाइल। तो ये सारे चीज़ जो है वो ट्रिक्स है, आपको ज़रूर अप्लाई करके यूज़ करना चाहिए। वैसे ही स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन,
दो है, बैलेंस्ड मोड एज वेल एज हाई एनर्जी एफिशिएंसी मोड है। तो जैसे आप यूटिलाइज करना चाहते हैं वैसे उसके आधार पर रख सकते हैं। लेट्स से 5% बैटरी आ चुका है तो हाई एनर्जी एफिशिएंट मोड पर रख सकते हैं। वैसे में बैकग्राउंड जो एप्स रहता है वो बिल्कुल रन नहीं होगा, उससे आपका बैटरी कंजम्पशन बैकअप ज़्यादा होगा। दैट्स द की थिंग हियर। वैसे ही परफॉर्मेंस मोड है, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो हाई परफॉर्मेंस मोड पर रख के खेलेंगे तो बिल्कुल जिटरी नहीं लगेगा कोई भी ऐप्स आप यूज़ करें, तो विच इज़ अगेन ए नाइस थिंग। अगर आप रेगुलरली मोबाइल जैसे कि मिक्स यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या फिर कॉल्स करते हैं, तो ऐसे रैंडमली सारे चीज़ जो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ऐसे करते हैं, तो स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पर ही आप रख सकते हैं। अगेन कस्टमाइजेशन फीचर बहुत ही अच्छा है। अगला फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेटिंग्स पर जाएंगे हम। यहाँ पर सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में स्क्रीन पिनिंग करके है। अगर आप स्वाइप अप ऐसे करेंगे तो एंड में आपको स्क्रीन पिनिंग दिखाई देगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर आप ऑन करके इस चीज़ को रखेंगे तो लेट्स से लॉक द डिवाइस व्हेन स्क्रीन पिनिंग इज कैंसिल। ओके, सो लेट्स से कि मैं मैसेजेस ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैसेजेस पर आप देख सकते हैं रीसेंट आइकॉन टैप करने से, टू डॉट्स को टैप करने से यहाँ पर पिन करके है, तो इस चीज़ को हम पिन करेंगे तो कुछ भी यहाँ से चेंजेस नहीं होगा। देखिए लेट्स से कुछ नोट्स लिख रहे हो आप या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बार बार कुछ प्रेस करने से दूसरे ऐप्स को टर नहीं होना है, तो वैसे में आप स्क्रीन पिनिंग को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से टैप एंड होल्ड बैक एज वेल एज रीसेंट बटन, सो स्क्रीन अनपिन्ड। तो ऐसे आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं स्क्रीन पिनिंग, कोई भी ऐप्स हो उस चीज़ को आप पिन करके वैसे ही रख सकते हैं। अगेन बढ़िया फीचर मैं कहूँगा। तो ये वाला आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा। लेट्स क्विकली मूव टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में सिक्योरिटी एंड यहाँ पर लास्ट में है स्क्रीन पिनिंग, तो इस चीज़ को आप ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के बिगनिंग में मैं बताया था कि कैसे आप डबल टैप टू अनलॉक द स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, या फिर वेकअप द स्क्रीन कह सकते हैं हम। तो उस चीज़ को करने के लिए फॉर एग्जांपल अभी डबल टैप ऐसे करेंगे तो लॉक होगा ना, तो वैसे ही डबल टैप करने से वो एक्चुअली लॉक स्क्रीन दिखाई देना चाहिए। तो वैसे करने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है, यहाँ से कन्वीनियंस टूल करके है, कन्वीनियंस टूल्स, यहाँ से जेस्चर एंड मोशंस, फिर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, तो यहाँ पर आपको एनेबल करना है, इस चीज़ को स्विच ऑन करना है एंड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन। तो ये बेसिकली क्या होगा, अभी स्क्रीन को लॉक कर दिया है तो डबल टैप टू स्क्रीन ऐसे लॉक स्क्रीन पर आएगा, तो अनलॉक क्विकली हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इनेबल करने के लिए जेस्चर एंड मोशंस में यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर है, इस चीज़ को स्विच ऑन करना है एंड यहाँ से डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन। तो ये शॉर्टकट यहाँ पर इतने अंदर हिडन है, तो वहाँ पर जाके इसको इनेबल करना है आपको। द नेक्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस टूल्स पर नेविगेशन बटन्स है। तो इतने सारे फीचर्स है दोस्तों इसमें कि क्या बताऊँ मैं। नेविगेशन बटन्स, कन्वीनियंस टूल्स, नेविगेशन बटन्स, तो यहाँ से जैसे कि आपको पता है नेविगेशन बटन्स मतलब रीसेंट, होम एज वेल एज बैक। तो इस चीज़ का चेंज करने के लिए यहाँ पर स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड्स है, टैप करने से वो डेमो दिखाई देगा कि कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इसको, या फिर आप वर्चुअल बटन्स रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे नॉर्मल मोड है वैसा, या फिर मोर टैप करने से स्वाइप अप जेस्चर्स है, जैसे कि अभी होम स्क्रीन पर गए हम बॉटम ऐसे कर सकते हैं आप रीसेंट या फिर होम या फिर बैक जाने के लिए, तो वैसे चेंजेस करके आप जेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से वो आपको मिलेगा स्वाइप अप जेस्चर्स, तो बैक लेकर हम वर्चुअल बटन्स ही रखेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। अगर आप को जेस्चर्स अच्छा लगता है, फुल स्क्रीन यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को एनेबल करके टेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर पुल डाउन टू एंटर वन हैंडेड मोड है, तो जैसे कि मैं टैप करता हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली ये कैसे फंक्शन होगा, रीसेंट आइकॉन को जैसे मैं स्वाइप डाउन करूँ ऐसे, जस्ट लुक एट दिस वन, तो वन हैंडेड मोड ऑपरेट हुआ है अभी। तो वन हैंडेड मोड सिर्फ एक ही हैंड से मैं फुल मोबाइल को ऐसे ऑपरेट कर सकता हूँ, लेफ्ट हो या फिर राइट साइड क्यों ना हो, तो जैसे आपके हैंड प्रेफरेंस है वैसे आप इस चीज़ को चेंज करके यूज़ करते जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक टिक गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ इस चैनल पर। कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड कंटिन्यूसली नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा बिजी था दूसरे प्रोजेक्ट में, तो अभी मैं कंटिन्यू रेगुलरली अपलोड करने जा रहा हूँ वीडियो। तो हमने देखा जेस्चर एंड मोशंस एज वेल एज नेविगेशन बटन्स कन्वीनियंस टूल में, वैसे ही स्मार्ट साइड बार करके है, तो यहाँ पर छोटा सा अगर साइड बार हम देखें तो ऐसे
कैसे करने से वो बार आता है, तो ये साइड बार इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्ड स्क्रीन है, फाइल मैनेजर है, कैलकुलेटर है, एडिट है, तो प्लस करने से दूसरे ऐप्स को भी आप लोड करके क्विकली अगर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो दिखाई देगा, जैसे कि लेट से अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करना चाहूँ क्विकली, तो जस्ट एक बार टैप करता हूँ तो देखिए फ्लोटिंग आइकॉन पर यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। तो ऐसे मैं इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो हियर्स द कैलकुलेटर, इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी आप ओपेक या फिर ट्रांसलूसेंट ऐसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, सो अगेन डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। तो यहाँ पर क्विकली कैलकुलेट करने के बाद जस्ट ऐसे क्विकली क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट साइड बार है, एंड इस साइड बार को भी आप ओपेक एज वेल एज ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा बार जैसा दिखाई देगा, उस चीज़ को जहाँ चाहिए वहाँ आप रख भी सकते हैं। अगेन वेरी कन्वीनियंट फीचर, इसके वजह से ही वो कन्वीनियंस टूल्स में रखे हैं। सो गाइस नेक्स्ट वन डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस है। क्विकली हम सेटिंग्स पर ही है, तो सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस देखेंगे कि क्या क्या मोड दिया गया है। यहाँ पर सेपरेट डार्क मोड है, डार्क मोड मतलब कंप्लीट डार्क मोड। कुछ मोबाइल फ़ोन्स में डार्क मोड मतलब सिर्फ कुछ इंटरफेस ही डार्क रहता है, फुल इंटरफेस डार्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रियलमी C3 में आपको कम्प्लीट डार्क मोड मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल। जैसे कि आप देख सकते हैं इवन ऐप ड्रॉअर में ऐप्स भी डार्क मोड को शिफ्ट कर दिया गया है। एज़ यू कैन सी फुल कम्प्लीट डार्क मोड है, एंड यहाँ से आप इस चीज़ को ऑन एज वेल एज ऑफ़ कर सकते हैं। तो डार्क मोड में फ्रॉम सनसेट टू सनराइज और सनराइज टू सनसेट शेड्यूल टाइम, जब आपको डार्क मोड ऑन करना चाहते हैं तब भी आप रख सकते हैं। एंड डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी ऐप्स, कुछ ऐप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आप उस चीज़ को एनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम टर्न ऑफ करेंगे इसको। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और भी इतने सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है इस मोबाइल में कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। रियलमी C3 अगर आप सोच रहे हैं मोबाइल लेने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया मोबाइल है फॉर द प्राइस, तो आप ज़रूर ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। फुल रिव्यू भी आने वाला है इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। कैसे लगा आपको फीचर्स, कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।